लिए अच्छी और बुरी बात बताओ तो क्या बताओगी? अच्छी आदत तो यह है कि वो बहुत पोलाइट होते हैं, उनका गुस्सा बहुत कम आता है, बात करने का अंदाज बहुत अच्छा होता है, और मीठे लोग होते हैं, मीठे लोग होते हैं जैसे। और अच्छी बात उनकी है कि उनका अपने भगवान पे बहुत अच्छा पक्का कीदर। हाँ, बिल्कुल ये बहुत, आपने वो मतलब एक क्या कहते हैं ना बेनिफिट वाली बात बताई है कि हम लोग ईमान पे पुख्ता यकीन रखते हैं, हम डगमगा जाते हैं। हाँ, तो जो है अपने उनका बहुत पक्का कीदर होता है। वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो पाकिस्तानी पापा की परियों ने हिंदुओं के लिए क्या क्या ऐसा बोल दिया है जो हर एक हिंदू को सुनना चाहिए, तो खैर आप भी सुनिए ये वीडियो। इसके बाद में हम बात करते हैं कि किस तरह से जो पाकिस्तानी पापा की परियाँ हैं वो हिंदू लोगों के लिए ऐसे ऐसे शब्द बोल रही है जिन्हें सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी और आपको जरूर सुनना चाहिए। चलिए देखते हैं आज वीडियो। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर है। नूर क्या करती हो? स्टूडेंट हूँ यूएल में। अच्छा माशाल्लाह। नूर आज का बेसिकली मेरा सवाल आपसे ये है कि हिंदू के बारे में एक अच्छी और एक बुरी बात बता दो। अच्छी बात उनमें यह है कि उनमें यूनिटी होती है अपने लीडर को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे आजकल हमारे इश्यूज चल रहे हैं कि मतलब हमारे में यूनिटी नहीं है और उनमें लोयल होते हैं वो अपने रिलीजन के साथ। लेकिन बुरा उनमें मुझे ये लगता है कि एक तो वो मुस्लिम नहीं है, उन्हें मुस्लिम हो जाना चाहिए, और दूसरा मुसलमानों पे वो जुल्म करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा हाँ, ये तो मीडिया की काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है ना कि मुसलमानों पर वो जुल्म करते हैं। जी अच्छा, जैसे कि आपने कहा है देखा उनको मुस्लिम हो जाना चाहिए, जितने प्यार से आपने मुस्लिम का कहा है ना, मैं भी कितने लड़के सच में कह दे कि हाँ यार हम मुस्लिम हो जाते हैं। क्या नाम है आप? फरहीन। फरहीन क्या करती हो? कुछ भी नहीं, स्टडी। अच्छा स्टडी। फरहीन फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा आपसे सवाल ये है कि एक हिंदू की अच्छी और बुरी बात बता दो, क्या बताओगी? अच्छी आदत तो यह है कि वो बहुत पोलाइट होते हैं, उनका गुस्सा बहुत कम आता है, बात करने का अंदाज बहुत अच्छा होता है, और मीठे लोग होते हैं, मीठे लोग होते हैं जैसे गुड़। हाँ, गुड़ों की तरह मीठे होते हैं। और जो बुरी आदत है वो ये है कि वो दूसरे मतलब मजाहिब को ना बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। हाँ, रोक टोक बहुत करते हैं, उनको बहुत उछालते हैं, उस बात ये चीज़ गलत है। मतलब आपको अपने मजहब से सिर्फ कनेक्ट होना चाहिए, दूसरा मजहब जो मर्जी जैसा मर्जी हो आपको वो मतलब नहीं करना चाहिए ऐसा। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं ठीक ठाक, आप बताएं? मैं भी ठीक। अच्छा रिबा, आज का मेरा सवाल ये है कि आप भी तो पता ही होगा हिंदू और मुस्लिम और इंडियंस में तो हर तरह के मतलब जो है मजहब है, लेकिन आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि हिंदू की एक अच्छी और बुरी बात बतानी है, आप क्या बताओगे? यार मेरा तो टॉपिक भी ऐसे ऐसे ही होते हैं। अच्छा जज करना फिर मुश्किल होगा, फिर आपको पता होगा। अच्छा, वैसे तो ये बहुत मुश्किल सवाल है कि पूरी बात बतानी है, अच्छी बातें तो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छी बात की जाए तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत क्रिएटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, एक ये। और बुरी बात, यार बुरी बात ये है कि यार बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। मतलब किस लिहाज से स्ट्रेट फॉरवर्ड? मतलब कमेंट्स ऐसे कमेंट्स से पता चल जाता है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड है भाई, इस वजह से स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। लिहाज ही करते जो आया मुंह में वो कहते हैं ये है बंदा ऐसा ऐसे ही है। नहीं नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड से बात की सच्ची बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल कि वो लिहाज ही नहीं करते, वो कहते हैं कि ये चीज़ हुई है तो फौरन चाहे मिस्टेक हो गई हो गलती से हो गई वो फौरन बता देते हैं। एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लगा बात करके। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हो? मैं भी ठीक। अच्छा बेसिकली आज का मेरा सवाल आपसे ये है कि हिंदू के बारे में एक अच्छी और एक बुरी बात बता दे। हिंदू के मतलब स्पेसिफिक हिंदू एज इन? हाँ, क्योंकि मैंने ओवरऑल पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था इंडियंस के बारे में, लड़कियाँ जो है अच्छी और बुरी बात क्या रखती हैं, बहुत ज़्यादा वो वायरल हुई उस वीडियो में। काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा डिमांड की कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू के बारे में पूछो, क्योंकि इंडियंस में आपको पता कि हिंदू मुस्लिम सिख हर तरह के आ जाते ना मज़हब, लेकिन हम सिर्फ हिंदू के बारे में पूछ रहे हैं कि हिंदू के बारे में आप क्या सोचते हैं एक अच्छी और एक बुरी बात। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब जैसे आपने मुझसे क्वेश्चन किया और जैसे कि हमारा पाकिस्तान का इस वक्त लोगों का माइंड सेट है, आपने हिंदू की बात की है तो हमारे माइंड में ना इस सारे इंडियंस आ जाते हैं। हाँ। ठीक है, सारे के सारे इंडियंस में वो बेशक सिख है, वो बेशक मुसलमान है, बेशक जू है, कोई भी मजहब से ताल्लुक रखता है, लेकिन माइंड में ना एक हिंदू का नाम आ गया है और हमारे माइंड में क्या इनकलकेट हुआ हुआ है कि हिंदू जो है वो हमेशा बुरा है, हिंदू इज़ अ काफिर, हिंदू से दूर रहो, और हिंदू मर जाए तो दुआ नहीं देनी चाहिए, हिंदू अच्छा लगे तो माशाल्लाह नहीं बोलना चाहिए, मतलब इस तरह की चीज़ें ना कई ऐसी हम मतलब व्हाट मुस्लिम इज़ ब्रॉट अप बाय, हमें कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें टाइम टू टाइम बोलने पड़ते हैं, छींक आए तो बोलना पड़ता है, खाना खाएं अल्हम्दुलिल्लाह कहना पड़ता है, मैं ठीक हूँ आप शुक्र है अल्लाह का, इस तरह का। हाँ। तो एक वो होता है ना नेचुरल वे आ जाता है एक मुसलमानों का। हाँ, बात करते हुए अब इसी तरह कोई भी इंसान सामने आ गया वो तो बाद में पता चलेगा ना वो कौन से रिलीजन से ताल्लुक रखता है, हमारे माइंड से हमारे मुंह से वो बात निकलेगी ही। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो को लेकर बात करें तो जहाँ पर जो पाकिस्तानी पापा की परियाँ हैं वो जब उन्हें पूछा गया है कि आपको हिंदू के बारे में एक अच्छी और एक बुरी बात बतानी है, तो अच्छी बात के लिए तो वो अलग अलग तारीफ करती है कि किस तरीके से इंडियन होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, और जब उनसे बुरा करने के लिए पूछा गया तो वो बोलती है कि
इंडियन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, जो कि भारतीय मुसलमानों पर जुर्म करते हैं, और उन्हें भी जो हिंदू है उन्हें भी मुस्लिम होना चाहिए, ऐसा पापा की परिया बोल रही है। तो खैर आपकी क्या राय है कि किस तरीके से जो इंडिया है वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान के लोगों को हमेशा मिर्ची लगती रहती है, तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं हमारे इंडियंस के बारे में इतनी ज़्यादा बुरी बुरी बातें क्यों सोचते हैं जबकि हमारे दिलों में नफरत है। अगर सच्चा हिंदू, वीडियो लाइक करके अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता देना।